मैडम आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंदा देवी चंदा देवी। जी। ओके, आप करते क्या हो मैम? मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, घर में बैठी रहती हूँ, मेरा कोई काम नहीं। मैं बीमार रहती हूँ ऐसे ही। और कहाँ के रहने वाले हो आप? उदयपुर के रहने वाले हैं। उदयपुर के रहने वाले हैं। ओके, मुझे एक चीज़ बताइए मैम, अभी आप क्या शिकायत करना चाहते मैं हो? शिकायत करना चाहती हूँ, हमारे आदमी रिटायरमेंट में हिंदुस्तान जिंक्स है, ठीक है। आईसीआईसी बैंक वाले आए जबरदस्ती। मैं इसमें राजी नहीं थी, ओके इन्होंने भरभरू साइन करवा लिया। क्या करा इन्होंने, पैसा जमा करवा लिया, खाते में से निकाल लिया पैसा किन भरभरू, किन के खाते से? हमारे आदमी के खाते से। रिटायर में उनका मोहन लाल जी, अच्छा, वो रिटायर कहाँ से हुए, हिंदुस्तान जिंक से, दरीबा से, क्या करते थे वो? वो माइनिंग में सर्विस करते थे सर। ठीक है ठीक उनसे है। भरभरू पैसा जमा करवा लिया और मेरे बच्चों की शादी सिर पे आ गई। मैं परेशान हो गई, मेरे घर अगर बारात आ जाती तो मेरी तो इज्जत भी करने वाली है। मेरी दो बच्चे जवान है, बिल्कुल बारात आने वाली 27 तारीख को। नहीं तो आपने कंपनी में बात किया, कंपनी में पैसा आपने मांगा? कंपनी में पैसा मांगा था, हाथ ऊंचे कर दिए कार्रवाई करने के लिए। वे हमारे बच्चों की शादी है बोले नहीं, और पहले बोला था जब चाहोगे जब आप निकाल सकते हो पैसा, और बाकी आप नहीं दे रहे, कह रहे नहीं मिलेगा पैसा। मैं क्या करूँ, इस चीज में राजी नहीं थी। मेरे से नहीं पूछा भाई, मेरा भी तो कोई उसमें हक था ना उनका, कि भाई तुम्हारी पत्नी को बुलाओ। उन्होंने मेरे को नहीं बुलाया, मेरे बुलाते तो मैं ये काम होने ही नहीं देती। परवारू परवारू आदमी अनपढ़ है हमारे, और परवारू उन्होंने ये काम कर लिया। कितने पढ़े लिखे हैं मोहनलाल जी? कुछ भी पढ़े लिखे नहीं है, सिर्फ साइन करना जानते हैं। तो कौन से पद पर थे वो हिंदुस्तान? माइनिंग में मजदूरी पद पे थे वो, तो माइनिंग के अंदर। अच्छा, तो ये जो पैसा आया था ये कहाँ से आया था, किस चीज़ का आया था? ये हिंदुस्तान जिंक रिटायरमेंट का पैसा आप रोइए मत, आप ऐसे परेशान मत होइए मैम, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। एक्चुअली मैम मैं आपको बताना चाहूँगा कि मतलब ये आपके नॉलेज का है या नहीं, आई डोंट नो, इसी कंपनी ने मेरे खिलाफ में केस किया हुआ है, आपको जी पता होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ मैं। और अभी मेरे को 1 महीना इन्होंने कस्टडी में भी भेजा था, जुडिशियल कस्टडी जी में भेजा था, है ना? तो अब हम लोग आपकी जैसे मदद करते हैं, बट देन आप ही के जैसे लोग होते हैं जो फिर बाद में जाके अलग बोल देते हैं कि नहीं वो तो हमको भड़काया। तो अगर आपको मैंने भड़काया है तो प्लीज आप कुछ मत बोलो। नहीं, भड़काया क्यों, सब हमारे पर मुसीबत आई तो हम तो रास्ता निकालेंगे ना उस चीज का। हमारी इज्जत पे खेलने लग का टाइम आ गया अब तो, ये हमारी बच्ची घर में बैठी रह जाएंगी। नहीं तो ये बात आप कंपनी में बोलिए ना, कंपनी कंपनी सुनेगी ना आपकी बात? नहीं, हाथ ऊंचे कर दिए, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं हो सकता है। आप कितनी बार गए कंपनी में? गए थे हमारे घर से भी गए थे, पता भी करा, उन्होंने नहीं, कह रहे नहीं मिलेंगे अभी पैसे। तो भाई हम तो हमारी कोशिश करेंगे, हमारा रास्ता ढूंढेंगे। हमारा पैसा हमारे काम नहीं आएगा टाइम में, तो पैसा किस काम का, क्योंकि मेरे पास 27 तारीख को बारात आके खड़ी हो जाएगी। पर ये बात आप कंपनी में क्यों नहीं बोल रहे मैम? कंपनी में आपने बोला ये बात कि 27 तारीख की शादी है वगैरह, आपने सब बताया अरे उनको? हमने पहले पूरी कोशिश कर ली साहब, नहीं सुन रहे वो लोग। कोई भी नहीं सुन रहे वहां पर। वो कह रहे अब कुछ भी नहीं होगा, 5 साल तक, 5 साल बाद मिलेगा, मेरे बच्चे बैठ रहेंगे 5 साल अगर तक। आपको वो बोलते कि आपको जैसे जमा कराते रहना और 5 साल बाद ही पैसा मिलेगा या 7 साल बाद ही पैसा मिलेगा, तो आप करते ये काम? नहीं, कहाँ से करते साहब, हमारे बच्चे, 4 बच्चे पढ़ रहे हैं घर में, ये शादी सिर पे आ गई, कैसे जमा करते हैं? हम नहीं जमा कर सकते थे। हमसे हमारे घर वाले ने पूछा था, हमने बोला नहीं करना। उनसे परवारू साइन करवा लिए जगह जगह, क्या मालूम, और लड़के की भी जाली साइन करवा ली उन्होंने राहुल के नाम से। अच्छा, उन्होंने साइन नहीं किए, राहुल ने कहीं साइन नहीं किए हैं? राहुल ने कहीं भी साइन नहीं किया, जाली साइन है वो, उसकी राइटिंग देख लो आप। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि मैं आपका केस आगे भेज रहा हूं। हाँ साहब भेजो, इसके लिए मैं, आप 10 जगह बुलाओगे तो मैं खड़ी हूँ, तैयार होगा बोलने के लिए। मैं फंस गई हूँ बहुत बुरी। पर आपके हस्बैंड परेशान कर दिया, 2-3 दिन लगा तो उन्होंने, आईसीआईसी बैंक वालों ने पीछे लग गया। हम तो हमारे मेहमानों में लगे रहे, आए हुए थे रिटायरमेंट में, और इन्होंने बार बार जगह जगह साइन करवा ली। पर आपके हस्बैंड का भी मेरे को चाहिएगा, उनसे भी मैं बात करूंगा मैं, जी ठीक है, नो इशू। पर एक बार मैं आपकी बात पहुंचा देता हूँ। हाँ सर, मेरी बात पहुंचा, और वहां तक भी अगर कोई बात करना चाहता है तो मैं बात करने के लिए बैठी हूँ। मैं फंस गई हूँ बहुत बुरी, मेरी बच्ची जवान घर में बैठी है, शादी, रिश्ते टूट जाएंगे, मैं कहाँ लेने दूंगी रिश्ते। एक चीज और क्लियर करूंगा मैम, क्या मैंने आपसे कोई पैसा लिया है? नहीं, मेरे से कोई पैसा नहीं लिया, ना पैसा लेने का कुछ बोला है। मेरे को तो सिर्फ सहयोग कर रहे हो कि भाई मैं ये कर सकता हूँ। मैं खुद आई हूँ आपके पास ये करवाने के लिए, भाई साहब मेरे ये काम कर दो आप। मैं जरूर पहुंचाऊंगा मैम।